कुरुक्षेत्र में किसानों द्वारा आंशिक रूप से 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको अभियान के तहत कुरुक्षेत्र जंक्शन पर रेल को बाधित किया गया। समाज सेवी सतनाम सिंह विर्क ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल आई थी कि रेल रोको अभियान के तहत 12 बजे से 4 बजे तक पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से रहे। सतनाम सिंह विर्क ने कहा कि जब अंबानी के जियो टावर टूटने का मामला सामने आया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुलकर बात की, मगर 250 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी भी उनके लिए अफसोस के दो शब्द तक सांचन नहीं किए। सरकार के इस तानाशाही रवैये की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि अब तो देश के सामने सब कुछ खुलकर आ चुका है कि प्रधानमंत्री किस तरह पूंजीपतियों के हाथों देश को बेच रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदर्शन शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। यहाँ पर बिल्कुल शांति प्रिय अपना भाषण दे रहे हैं किसान, 150-200 की तादाद में है संयुक्त मोर्चा वाले, और 12 से 4 बजे तक अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। कितने कर्मचारी यहाँ पर रिक्रूट किए? यहाँ 100 के लगभग कर्मचारी मौजूद हैं, जिला पुलिस के DSP साहब अरविंदर तोमर जी, DSP साहब और RPF, GRP। सर शांति व्यवस्था के लिए वज्र वाहन वगैरह या एम्बुलेंस वगैरह भी यहाँ? हाँ, एम्बुलेंस का इंतजाम है, फायर ब्रिगेड का इंतजाम है, वज्र का इंतजाम है, पूरा इंतजाम है। आज हमने आंशिक रूप से 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक रोका है, और हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं इस रेल रोको आंदोलन के माध्यम से कि सरकार इन तीनों कार्य कानूनों को वापस करे, और जब तक ये तीनों कार्य कानून वापस नहीं होते, MSP पे खरीद की गारंटी नहीं देते, तब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा, और जब तक किसानों के खून का एक एक कतरा बचा है तब तक हम आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जिस तरह से हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान आता है और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं और उसके बाद फिर एक बयान देते हैं कि मेरे से माफ़ी जो है दबाव में बहुत गिराई गई है, क्या करना? देखिए, मैं तो इसको दुर्भाग्य मानता हूँ कि ऐसे बेहुदा लोग जो मंत्री बने हैं, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे कृषि मंत्री नहीं शिक्षा मंत्री हैं, वो भी अनपढ़ आदमी हैं। 8वीं पास शिक्षा मंत्री, बिना किसान वाला कृषि मंत्री, वो बेहुदा बयान देते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दलाल खापों को ये कहूँगा कि ऐसे आदमी का जहाँ भी आए बहिष्कार करें, और इसको दलाल खापा अपनी खाप से निष्कासित करें। मेरा नाम सुखविंदर भूखड़ी, मैं कैसे हरियाणा प्रदेश हूँ। दमागे कोई गया डंडा परेड या कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, अपने नुकसान होता है, शांति से मोदी सलाह देने। सरकार से क्या अपील? सरकार से यही तीन कानून वापस करने के लिए ये सारे एजिटेशन, जब तक ये कानून वापस नहीं होते, जब तक चाहे 24 तक ना ये अदना की काम चलते ही करने लगते रहेंगे। जिम्मेदार रेल रोकने का जो आज का धरना है, ये कब चलने वाला है? ये अदना की या प्लानिंग है, 4 बजे तक ऐसा है। ये संयुक्त किसान मोर्चे से कॉल आई थी 18 तारीख को, रेल रोको मतलब 12 बजे से लेकर और 4 बजे तक, तो पूरा शांतिपूर्वक ढंग से किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पिछले 3 महीने से देख रहे हो कि दिल्ली में कैसे बैठे हुए हैं, लेकिन ये तानाशाह सरकार जो है, जब अडानी अंबानी की संपत्ति का कहीं कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए किसी तरह से, या उनके जैसे टावर टूटे थे पीछे अपना रिलायंस के जियो के, तो प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर तो बात करते हैं। 250 से ज़्यादा किसान जो वहाँ आंदोलन में जो शहीद हो गए, उनके बारे में एक बार भी प्रधानमंत्री जी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, और इतना तानाशाह रवैया किसानों के प्रति क्यों अपना रही है सरकार, ये समझ में नहीं आता। किसान इस देश के हैं और सारे देश का अन्न से पेट भरने का काम करते हैं किसान जी। यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी एक गाड़ी खड़ी है, मालगाड़ी खड़ी जिस पर अडानी ये, तो आपको पता ही, अब तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, अब तो दिख रहा है अदानी एग्रो इसके ऊपर लिखा हुआ है। पहले तो कहने की बात थी कि रेल बेच दी अडानी अंबानियों को, अब तो आपको, आप खुद समझदार हो, आपके माध्यम से हम सारे देश को ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी किस तरह से देश की संपत्ति जो है पूंजीपतियों के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं, और ये कैसे देश को, देश नहीं बिकने दूंगा, आज खुद ही देश को बेच रहे हैं। है
कि ये यहाँ पे किसान आंदोलन में फंडिंग हो रही है, ये फंडिंग नहीं है, ये गुरु नानक देव जी का 20 रुपए का लंगर चलाया हुआ है जो आज किसानों में चल रहा है। मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी रेल में कहीं पे भी फंसे हुए हैं यात्री हैं या कोई भी साइड में कहीं पे भी बैठा हुआ है कोई है, वो भी यहाँ पे आए, गुरु का लंगर ले, और ये लंगर जो है गुरु नानक देव जी का चलाया हुआ है, ये हमारा किसानों का लंगर नहीं है, ये सिर्फ गुरु नानक देव जी की मेहनत और उसकी जो सेवा की हुई है उसका लंगर है। हमने तो सिर्फ खून पसीने की जो कमाई की हुई है उसका हमने यहाँ पे जो दसवंध निकाला हुआ है, वो जो भी फंसे हुए हैं वो आएँ यहाँ पे लंगर लें। क्या नाम है? मेरा नाम है दिलबाग सिंह, गाँव बारुआ। कुरुक्षेत्र से मंजीत कौर की रिपोर्ट।